नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् व्यास जी अपनी वाणी में एक बड़ी सुंदर बात एक स्थान पर कहते हैं, कहते हैं भावत हरि प्यारे के प्यारे, जिनके दरस परस ते सुधरे कोटिक पाप हमारे। और फिर अंत में कहते हैं शुकमुख वचन रचन कह कोटिक बिगरे व्यास सुधारे। भावत हरि प्यारे के प्यारे, मैं ऐसे संतों की वाणी का चिंतन करते करते एक विचार में पहुंचा कि यहां व्यास जी ये बात कह रहे हैं कि भाई जब भगवान के भक्त मिले तो क्या हुआ। कह रहे शुकमुख वचन रचन कह कोटिक, शुकमुख वचन रचन अर्थात श्रीमद् भागवत। कह रहे शुकमुख वचन रचन कह कोटिक बिगरे व्यास सुधारे। व्यास जी कह रहे हमारे जैसे बोले कोटि कोटि बिगड़े हुए जीव श्रीमद् भागवत ने सुधार दिए। संतों के मुख से श्रीमद् भागवत सुनिए, प्रभु की कथा सुनिए। और वहां रैदास जी भी कह रहे हैं कहें कथा और अर्थ विचारें और आप तरें औरन को तारें। दो बात मुझे समझ में आई। पहली बात तो ये कि भाई जब जब संत मिलते हैं तो केवल केवल और केवल हरि की कथा होती है। शायद इसीलिए श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि संसार में सर्वाधिक आनंद तभी प्रकट होता है जब भगवान के दो भक्त मिलते हैं, उनके मुख से बहती है हरि गुण की मंदाकिनी। वो तो कुछ काल का सत्संग करके और पुनः अपने भाव में मग्न हो जाते हैं, लेकिन उनके मुख से जो भावधारा प्रवाहित होती है वो अनंत अनंत काल तक जाने कितने जीवों के निस्तार का कारण बनती है जब दो संत मिलते हैं। तो एक बात तो जब दो संत मिलते हैं तो केवल भगवान की कथा होती है, हरि कथा। और गत सत्र में भी मैंने आपको एक संकेत किया था कि कहने सुनने को भाई बहुत कुछ है, अगर केवल समय ही व्यतीत करना हो तो फिर कहने सुनने के लिए बहुत बहुत बातें हैं। पर एक बात समझ में आ गई संतों की कृपा से कि हरि की कथा ही कथा है। जीव की जो वास्तविक व्यथा है, जो उसकी पीड़ा है, जो उसकी वेदना है, जो उसका अभाव है, जो समस्या है, उसका समाधान तो तभी होगा जब आत्मा प्रसन्न हो, और आत्मा प्रसन्न होती है भगवान की कथा सुन के। और फिर वैसे भी महादेव कह रहे हैं बिन सत्संग न हरि कथा और तेही बिन मोह न भाग। एक प्रकार से यहां महादेव ये कह रहे हैं कि भाई जो जीव का दुरंत मोह है, ये जो मोह का जो रोग है तो सब व्याधियों का मूल है, बोले इसकी औषधि क्या है, बोले हरि की कथा है। मैं कई बार आपसे कहता हूं भाई प्रत्येक शब्द की अपनी एक ऊर्जा होती है, किसी शब्द में सकारात्मक ऊर्जा होती है, किसी शब्द में नकारात्मक ऊर्जा होती है। ये जो शब्द हैं, ये जो शुकमुख वचन रचन कह रहे हैं व्यास जी, ये जो शब्द हैं इसमें भगवदीय ऊर्जा है कि कथा भगवान का दान करने वाली है। तभी गोपांगनाओं ने गाया तब कथामृतम तप्त जीवनम।
कल्मषाप श्रवण मंगलम श्रीमदाततम श्रवण मंगलम। बताओ इससे इससे सरल और क्या साधन होगा? श्रवण मंगलम, श्रवण से ही जीव का मंगल हो जाता है। हाँ, पर एक बात सूत जी ने अवश्य कह दी कि नोत्पाद ये यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर सुनते 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 श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, भगवान की कथा सुनते सुनते अगर कथा मीठी न लगने लगे, कथा का लोभ ना हो जाए, बोले फिर केवल श्रम किया है, फिर श्रम एव ही केवल। तो सूत जी ने कहा कि भाई धर्म का फल क्या है? मोक्ष। धर्म का फल अर्थ साधन नहीं है, अर्थ साधन करना है, धर्म साधन के लिए अर्थ कमाना है। अर्थ की आवश्यकता है, पर किस लिए? ताकि उसे धर्म साधन किया जा सके। अर्थ का फल इंद्रिय भोग नहीं है, भोग विलास के लिए धन नहीं है। भोग विलास का भी किंचित प्रयोजन है जीवन में, वो भी क्या? कि भाई जीवन का निर्वाह हो जाए, जीवन धारण करने के लिए। और जीवन धारण का फल क्या है? जीवस्य तत्त्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवस्य तत्त्व जिज्ञासा, कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। भाई जीवन का फल क्या है? जीवन का फल यही है, प्रभु को जानने की इच्छा हमारे उर अंतर में उदय हो जाए, भगवान को जानने की इच्छा, यही जीवन का फल है, यही जीवन का लाभ है। तो एक बात तो मैं अभी आपसे जो कह रहा था कि एक बात तो संतों की वाणी का चिंतन करते करते ये समझ में आई कि भाई दो संत मिलते हैं तो केवल भगवान की चर्चा होती है, भगवान की वार्ता होती है। तभी आपसे बार बार कहता हूं भाई आपके मेरे मिलने का प्रयोजन बस एक हो, हरि की कथा। मेरी गति भी उसी से होगी, आपकी गति भी उसी से होगी। और दूसरी बात जो समझ में आई कि भाई भगवान की कथा सुनते सुनते बिगड़ा मन सुधरने लगता है और फिर सुधरते सुधरते सुधर जाता है, और फिर यदि भगवान की कथा सुनता रहे तो सुधरा रहता है। मैं हमेशा आपसे कहता ना भाई दो काम है ये, एक तो पहले मन सुधरे और फिर मन सुधरा रहे। बहुत सावधान करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने अपने श्रीमुख से उच्चारण किया है कि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाश। पता नहीं कौन से क्षण में कैसी बुद्धि का उदय हो जाए। उस दिन मैं आपको निवेदन कर रहा था ना, एक जन्म में जो कर्म किए जाते हैं उन कर्म फलों का भोग एक ही जन्म में नहीं होता, उसके लिए जीव को अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। एक जन्म के प्रारब्ध का भोग उन कर्मों के फल का क्षय एक जन्म में नहीं होता, और अभी हम पिछले का फल भोग रहे होते हैं साथ साथ में अगले की तैयारी हो जाती है। इसी को कहते हैं कर्म का दुष्चक्र। आगे कहेंगे कि इस कर्म के दुष्चक्र को काटने वाला कौन है। कभी गुरु साहब ने वाणी में कहा कि भाई लेखे कतई ना छुट्टिए, मैं खिड़ खिड़ भुल्लण हार। आज एक भूल सुधारोगे कल दूसरी हो जाएगी। संत अनुभव की बात कर रहे हैं, कह रहे लेखे कतई ना छुट्टी है, खिण खिण भुल्लण हार। बक्षण हारा बक्ष दे नानक पार उतार। बक्षण हारा बक्ष दे, बस प्रभु क्षमा कर ले, प्रभु कृपा कर दे, प्रभु अपना ले, बस। तभी संत हाथ में करताल लेके और भाव में भरकर प्रभु से यही कह रहे हैं, हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। बहुत जन्म हम जन्म बिगारे, अब हूँ बिगड़
परेगी। अभी अंतिम बात तो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, अरे नागरी आगे सुधरेगी जब अखियां इत ही ढरेगी। प्रभु हमारा क्या है, हम तो जन्म जन्म से अपना कार्य स्वयं बिगाड़ते आ रहे हैं, अब की बार आपने नहीं देखा तो अब भी बिगड़ जाएगा। बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, अब हूं बिगड़ पड़ेगी, बिगड़ने में क्या देर है। मैं तो बार बार आपको कहता हूं भाई, बिगाड़ना काम बिगाड़ना कौन सा मुश्किल काम है, कोई भी कर देगा, वो काम बनाना कठिन है, सृजन कठिन है। किसी वस्तु को नष्ट करना कठिन नहीं होता, उसका सृजन उसका निर्माण कठिन है। करे बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, करे ये भी बस बिगड़ ही जाएगी, अब हूं बिगड़ पड़ेगी। नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इतनी ढरेंगी, हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। अब भाई जिसने सुधारना है, अब भाई किसी ना किसी प्रकार उसके संग में लगे रहना है, किसी ना किसी प्रकार बस प्रभु के संग लगे रहना है। अब सतत निरंतर दिन भर कोई नाम जप नहीं कर सकता, तो जब नाम जप में मन लगे नाम जप करिए, फिर थोड़ा सत्संग सुन लीजिए, भगवान की कथा सुन लीजिए, स्वर संगीत का प्रसाद प्रभु ने दिया हो तो फिर गाइए, प्रभु की सेवा करिए, बस किसी ना किसी प्रकार से प्रभु के संग लगे रहना है। तो दो बात समझ में आई, एक तो भाई संत मिले तो सत्संग हो, और उसी को सत्संग कहना चाहिए जिसमें भगवान की कथा हो, जिसमें भगवान की वार्ता हो। आपको स्मरण हो तो जब श्री काकभुसुंडी और श्री गरुड़ जी के उस संवाद की हम चर्चा कर रहे थे ना, महादेव ने बताया इस सत्संग का लक्षण क्या है, कह रहे जिसमें आदि में मध्य में और विश्राम में केवल हरि की चर्चा हो ना, उसको सत्संग कहना चाहिए। ऐसे कुछ भी कहीं भी बैठ गए और यहां वहां की तमाम बात कर रहे हैं, ये तो आपसे भी कह रहा था भाई, कहने सुनने को तो बहुत कुछ है, दुनिया भर की बातें, उसका प्रयोजन क्या है, उससे होगा क्या? उससे होगा हमारा एक तो समय नष्ट होगा, शक्ति नष्ट होगी, इसी को कहते हैं शक्ति का अपव्यय करना, और दूसरा दंभ बढ़ेगा कि भाई हम तो सत्संग कर रहे हैं जबकि हो कुछ और रहा है, अपनी कुछ बात कही, इसकी बात कही, उसकी बात कही, यहां ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, तुम्हारा प्रश्न, इसका प्रश्न, उसका प्रश्न ना भाई, ये समय और शक्ति का अपव्यय है। महादेव ने कहा बोले सत्संग क्या है, जिसमें आदि मध्य और विश्राम में केवल भगवान की बात हो, भगवान का नाम हो, भगवान का गुण हो, प्रभु की चर्चा हो, हरि चर्चा हो। क्यों कहा था श्री मीरा जी ने कि साधु संग बिना वहां का प्राण तिसाया मरे, क्योंकि जो मन प्राण है इसको पोषण करने वाली तो हरि की कथा है, और बिन सत्संग न हरि कथा और तेही बिन मोह न भाग। सुबह आप जगते हो ऊर्जा शक्ति से भरपूर, उत्साह से लगते हो अपने काम में, पर सांझ ढलते ढलते थक जाता है ना शरीर, फिर निद्रा की आवश्यकता होती है। ऐसे ही एक बार जीव जगेगा फिर ये प्रबल माया की पवन चलती है, कहां उसको बहा कर ले जाती है, फिर मोह की निद्रा फिर जीव को सुलाने का प्रयास करती है। सूरदास जी ने कहा जब आऊं साधु संगत कछुक मन ठहराए, पर सूरदास जी कहने हमारा सत्संग करना कैसा है, सूरदास जी ने कहा जैसे गज स्नान करता है ना, जिस सूंड में जल भरकर अपने ऊपर जल डालता है, बोले उसी से फिर जाकर धूल में भी लौटता है, धूल भी डालता है अपने ऊपर। तो कहने सुनने को बहुत कुछ है, पर समय की सार्थकता, जीवन की सफलता, समय का आदर, मैं तो कहता हूं ये समय का आदर है। आप नाम जप कर रहे हैं, आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आप सच्चर्चा का श्रवण कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं, ये समय का आदर है, इसी को कहते हैं समय का आदर करना। तभी सेवक जी ने कहा हानि हरिवंश के नाम अंतर पर है, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी।
जैसे जैसे आपकी वृत्ति परिष्कृत होती जाएगी ना, सरल शब्दों में कहूं जैसे जैसे मन सुधरता जाएगा वैसे वैसे प्रभु के अतिरिक्त कोई और बात कम ही अच्छी लगेगी। फिर भी भाई जब तक शरीर है, जब तक प्रारब्ध है, जब तक हम संसार में हैं, कहना सुनना भी पड़ेगा, देखना सुनना भी पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते। लेकिन मन को वो सुहाएगा नहीं। मन फंसता कब है? जब मन रस लेता है तब मन फंसता है। जो काम आप बिना मन के करते हैं उसमें आसक्ति कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस काम में आपका मन नहीं है, उसमें मन की गति नहीं है, उसमें मन की इच्छा नहीं है। वो तो आपको करना है और जल्दी से निपटाना है, उसमें मन की आसक्ति कभी नहीं होगी। जो मन को अच्छा लगेगा, जहां मन रस लेगा, वहीं पर मन आसक्त होगा। तो अगर वृत्ति परिष्कृत हो जाए, अगर मन सुधर जाए, तो संसार का व्यवहार करना पड़ता है। अभी हम करते हैं, अभी हम करना चाहते हैं, फिर संसार का व्यवहार करना पड़ता है। जब करना पड़ता है तब व्यवहार बांधता नहीं, तब व्यवहार बंधन का कारण नहीं बनता, क्योंकि मन कहीं और होता है। मन सांवरिया के पास। अरे ये तो ऐसा देश है जहां ध्रुवदास जी कहते हैं, जहां बोली बहु भारी किंचित रसानुभूति हो जाए। श्री जी के रस स्वरूप का किंचित अनुभव हो जाए, किंचित। अरे महाप्रभु तो ये कह रहे हैं, कह रहे कि अब तो मेरा मन होता है यमुना का किनारा हो, मेरे नेत्र मुंदे हो। यही बात श्री महाप्रभु जी ने सुधा निधि में कही है, कालिंदी का कूल हो, मेरे नेत्र मुंदे हो, और अखंड रूप से मेरा चित्त रमा हो किसमें? कह रहे श्री प्रिया जी के चरणारविंद की नखछटा में। बस मैं अब और कुछ नहीं चाहता। मेरी इच्छा तो ये कि इसके अतिरिक्त मैं बाकी सब कुछ भूल जाऊं, किंचित श्री जी के उस रस स्वरूप की अनुभूति होगी। सब छूट जाता है भाई, मन विवश हो जाता है। जैसे मीरा जी कह रही हैं, कहां करूं कछु बस नहीं मेरो, बस नहीं मेरो, मन विवश हो जाता है। और कभी कहा था मैंने आपसे, प्रेम आवश्यकता नहीं है, प्रेम तो विवशता है, प्रेम तो विवश कर देता है। बड़ी बड़ी सुंदर बात ध्रुवदास जी ने कही है, कह रहे मन की गति हुई पंगु। मन जाता ही नहीं, मन चल ही नहीं सकता उस ओर। एक बार किंचित श्री जी के उस रस स्वरूप की अनुभूति हो जाए। हाँ, एक और बात इसके साथ में जोड़ देता हूं, उससे पहले, उस अनुभव से पहले, जिसका आधार लेकर सेवक जी ने पूरी बाणी गा दी और फिर कहा श्री हरिवंश प्रमाण मनम, मेरा मन उसका अनुभव है, मेरे मन का अनुभव उसका प्रमाण है। लेकिन उस अनुभव से पहले मन सुधरेगा बिगड़ेगा, सुधरेगा बिगड़ेगा, और ऐसी धूप छांव की तरह यह खेल चलता रहेगा। तो यहां सूत जी ने कहा कि भाई जीवन का फल क्या है? प्रभु से मिलने की इच्छा, लगे रहिए किसी ना किसी प्रकार प्रभु में। संतों का यही जीवन हमने संतों के मुख से सुना, गिरिराज जी वाले पंडित गया प्रसाद जी महाराज, फिर कभी गीता सुन रहे हैं, कभी भागवत सुन रहे हैं, कभी लीला दर्शन कर रहे हैं, कभी नाम जप में लगे हैं, कभी रसिकों की वाणी का श्रवण करते हैं, एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाने दे रहे। मुझसे एक बार ऐसी किसी ने बातचीत में कहा कि आपको किस बात की चिंता है, आपका तो कल्याण हो ही गया। मैंने कहा भाई हमारा लक्ष्य हमारा कल्याण कराना मात्र नहीं है, हमारा जीवन कैसे सुंदर बने। मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि जीवन के बाद हम कहां जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता ऐसी, आपको कह रहा हूं कि मान लो आज ठाकुर जी हमसे आकर कह दे कि अब तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मरने के बाद ले जाएंगे हम तुमको अपने धाम में। ना ना, हमको ये आशीर्वाद नहीं चाहिए। यहां हमारा जीवन सुंदर बने, हमारी एक एक श्वास प्रभु आपके भजन में लगे, आपके स्मरण में लगे, ये जीवन आपकी सेवा में लगे, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारी इच्छा है। ऐसे मुझसे कभी कहा किसी ने कि आपने बड़ी जल्दी ये निर्णय ले लिया, अभी तो आपको सेवा करना चाहिए था। मैंने कहा भाई सेवा तो यहां भी हुई रही है श्री जी की इच्छा से,
और बड़ी सुंदर सेवा हो रही है। मैंने कहा भाई यहाँ गए वहाँ गए, ठीक है सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, पर मेरा मन बार बार मुझसे एक बात कहता था कि चलना तो अपने गुरु के बताए मार्ग पर चाहिए ना। शिष्य का कर्तव्य क्या है कि जो मार्ग उसे उसके गुरु ने दिया है उस पर चले। मार्ग तो सभी अच्छे हैं, सभी वंदनीय हैं, स्तुत्य हैं, पर अपने गुरु के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। मैंने कहा मेरे भी मन की यही सदा एक इच्छा रहती थी भीतर ही भीतर कि कब ऐसा दिन आए कि जो 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 जीवन हमारे महाप्रभु जी ने जिया, जिस मार्ग पर हमारे महाप्रभु जी ने हमें चलकर दिखाया, उस मार्ग पर हम भी तो चलने का प्रयास करें। तो मैंने कहा कब करेंगे वो कार्य, जब शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, जब ऐसी अवस्था आ जाएगी जब हम बाहर जाने लायक नहीं रहेंगे, जब शरीर अशक्त हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, क्या तब मैं वो कार्य करूंगा। मैंने कहा ना, सबसे पहले मुझे वही कार्य करना है। धाम की कृपा हुई, हमारा मनोबल बढ़ा, भाव बल धाम ने अपनी कृपा से प्रदान किया, और मैंने कहा नहीं भाई अब सबसे पहले यही कार्य करना है। और फिर जगदम्बा भवानी की वो बात कान में गूंजती है, तजउ न नारद करि उपदेशु आन कहे सतबार महेश। अगर प्रभु को मुझसे कोई और कार्य कराना होता ना, तो फिर मुझे महाप्रभु जी नहीं मिलते। महाप्रभु जी मुझे मिले हैं, कोई कारण होगा ना। इसमें श्री जी की कुछ इच्छा विशेष होगी ना, क्योंकि नागरी दास जी कह रहे हैं बिना कृपा श्री राधा रानी क्यों शरण हित जू की पावे, कैसे कोई आ जाएगा यहां। बोले श्री जी की कृपा के बिना श्री महाप्रभु जी के चरण शरण में कौन पहुंच सकता है। नागरी दास जी की वाणी में लिखा है, बोले बिना कृपा श्री राधा रानी क्यों शरण हितजू की आवे। हितजू की कृपा से प्रियाजू की कृपा, और प्रियाजू की कृपा से आचार्य चरण की शरण मिलती है। हमको श्री जी की कृपा ने यहां लाकर बैठाया है, और हमारे महाप्रभु जी का जीवन क्या है, निस दिन गान रूप माधुरी को पान, उर अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सो। कल यही हमने चर्चा को विराम दिया था कि भाई जीवन का फल है तत्व जिज्ञासा। तत्व क्या है, कोई उसे ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है। हमें हमारे आचार्य ने क्या सिखाया है, वो रस है, रस ही की मूर्ति द्वय। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे ये हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे ये हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे ये हमारे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। आगे सूत जी कह रहे हैं, तच्छद्धानामुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तो सबसे पहली बात तो कथा से बिगड़ा मन सुधरता है। जन्म जन्म से जो बिगड़ा मन है, बोले भगवान की कथा सुधार देती है इसको। और भगवत प्राप्त अनुभूति प्राप्त महापुरुषों के वचन है, इसमें किसी को संशय नहीं करना चाहिए। व्यास जी कह रहे हैं, शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, बिगड़े व्यास सुधारे भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक देखना भजन धूप छांव के जैसा रहेगा।
ये जो कई बार हम बात करते हैं कि सब महापुरुषों ने एक शब्द भजन के साथ कहा है, वो क्या है? सतत भजन, निरंतर भजन। भजन तो भाई थोड़ा घना आप मैं भाई सभी कर रहे हैं, पर किस भजन भाव को विशेष कहना चाहिए? जब तूरी न टूटे छुरी न छूटे ऐसी माधो किंच तनी म्यूलालन सो प्रीत बनी। शायद कहीं अपनी ओर देख के असंतोष हुआ भाई, कभी भजन हो रहा है कभी नहीं, कभी कम कभी अधिक। बोले ऐसे नहीं, तोरी न टूटे और छोरी न छूटे ऐसी माधो किंच तनी म्यूलालन सो प्रीत बनी। ऐसा भजन रोज गा रहे हैं हम। अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति सब तज भजन करूं दिन रात, भजन करूं दिन रात। कह रहे रसिकन संग फिरे दिन रात, महाप्रभु कह रहे साधु संगति करूं अनु दिन रात। ये जो दिन रात कहा है ना, माने ऐसा भजन जो तार टूट नहीं जाए। जो कल मैं आपसे कह रहा था सावधान सुमिरन करे तार टूट नहीं जाए। तार टूटा तो फिर संगीत कैसे बजेगा? साज का तार टूट जाए संगीत कैसे बजेगा? तार नहीं टूटे, निरंतरता। और निरंतरता कब आएगी भजन में? जब आपको अनुभव होगा। कहीं सुनी बात का प्रभाव थोड़ी देर रहेगा, ध्यान रखना। वह आप मुझसे सुनो, किसी से भी सुनो, उसका प्रभाव थोड़ी देर रहेगा। जब आपका मन कहता है, जब आपका मन कहता है ना, फिर उसका प्रभाव देर तक रहता है, दूर तक रहता है। अनुभव कब होगा जी? भजन में स्थिरता कब आएगी? जब अनुभव होगा, जब भगवत स्वरूप का, भगवत स्वभाव का अनुभव होगा। ये कथा श्रवण करना, ये वार्ता श्रवण करना, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, इससे क्या होगा? कह रहे श्रद्धा से युक्त होकर इसका श्रवण करना तो श्रीमद् भागवत ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति का प्रसाद देगी। और वो ज्ञान वैराग्य युक्त जो भक्ति है, बोले वो प्रभु का अनुभव कराएगी। ये घर बड़ी दूर है। जब हम भक्ति कहते हैं ना, भक्ति फिर कैसी भक्ति? फिर ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति। भक्ति का साधारणीकरण तो आज देखा ही जा रहा है ना। लिया आपने ठाकुर जी के स्वरूप को, डलिया में डाला और शुद्ध अशुद्ध किसी बात का कोई विचार नहीं, कुछ ध्यान नहीं, और सबको लग रहा है कि भाई भक्ति हो रही है, यही भगवान की भक्ति है, यही भगवान की भक्ति है। मैं आपसे उस दिन यही तो कह रहा था ना भाई, कि आज स्कूल कॉलेज के किसी बच्चे को कहो कि आओ बेटा तुमको भागवत सुनाते हैं, वो दूर भाग जाएगा। उसका कारण भागवत नहीं है, उसका कारण जैसे भागवत सुनाई जा रही है, ये उसका कारण है। भागवत तो भागवत है ही भाई। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम, ये श्रीमद् भागवत है। यहां सूत जी कह रहे हैं भाई ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति प्रदान करने में समर्थ श्रीमद् भागवत है। भगवान का अनुभव करा दे ऐसी भक्ति, ऐसी भावना, ये श्रीमद् भागवत का फल है, ये श्रीमद् भागवत का प्रसाद है। मैं आज ही महाराज जी से सुबह चर्चा कर रहा था तो मैं यही कह रहा था कि मैं एक एक श्लोक का विचार कर रहा हूं तो मुझे लगता है सच में ऐसा ही है। जैसे मान लो एक एक श्लोक में भगवान वेदव्यास ने एक एक ग्रंथ धर दिया है भर। कितना गहन, कितना गंभीर। जैसे समुद्र की जल राशि की कोई था नहीं पाता, ऐसे श्रीमद् भागवत है। और इसका प्रभाव शायद मैंने आपको बताया भी था कभी किसी समय, कि एक बड़ी प्राचीन श्रीमद् भागवत की पोथी को मिली, सब पन्ने ऐसे उल्टे पलटे थे उसमें, बड़ी प्राचीन प्रति श्रीमद् भागवत की। तो एक दिन सुबह से शाम तक मैंने और शंभू जी ने लगकर
एक एक पन्ने पर धूल भी जमी थी, ऐसे एक एक पन्ने को साफ सहेज करके हमने उसको ऐसे क्रम से लगाने का प्रयास किया। हम सुबह लगे और शाम हो गई हम कोई कार्य करते करते। पर भाई मैंने भागवत का वो अद्भुत प्रभाव अपने जीवन में उस दिन देखा कि उस दिन के अगले दिन से आज तक, आज के दिन तक, उस दिन के अगले दिन से आज तक श्रीमद् भागवत का सतत चिंतन जीवन में आरंभ हो गया। ये तो अभी मैंने केवल पोथी की सेवा की थी, श्रीमद् भागवत की पोथी की सेवा, ये उसका फल मुझे मिला। तो ये तो भगवान का साक्षात विग्रह है। हाँ ये बात दूसरी है भाई, भगवान कल्पतरु हैं, उनसे आप जो मांगो वो मिलेगा। अगर कोई नाम और दाम के लिए भागवत कह रहा है तो उसको वो भी मिलेगा। पर ध्यान रखना कि अगर कोई राम और श्याम के लिए भागवत कहे तो फिर उसको वो भी मिलता है। श्रीमद् भागवत समर्थ है देने में। तो के लिए श्रद्धालु मुनिजन जो हैं, मनस्वी पुरुष जो हैं, जिन्होंने अपने चिंतन को मोड़ दिया है सही धारा में, जो सत वस्तु के चिंतन में लगे हैं, मनन में लगे हैं, कह रहे वो जो श्रद्धालु मुनिजन हैं, बोले वो ज्ञान वैराग्य युक्त उस भक्ति से अपने हृदय में प्रभु का अनुभव करते हैं। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैंने इसको किंचित विस्तार से कहने का प्रयास किया। भजन में स्थिरता निरंतरता आएगी जब आपको कुछ अनुभव होगा भीतर, और अनुभव कैसे होगा? ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से। और श्रीमद् भागवत क्या है? ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति ही श्रीमद् भागवत है, भागवत। इसमें भक्ति भी है, इसमें ज्ञान भी है, इसमें वैराग्य भी है। और इसमें उस तत्स्वरूप का, उस सत्स्वरूप का अनुभव भी है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, ओम तत्सत तत्सवितुर्वरेण्यम। वो है, वो वस्तु जो है, वो जो अनिर्वचनीय है, वो ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से भिन्न, वो जो शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त माया काल से परे, वो जो तत्व है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि जिसको कोई कोई ब्रह्म, कोई भगवान, कोई परमात्मा और हम रस कहते हैं, उसका उसका अनुभव करा देती है वो ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति। उसी का नाम भागवत है।